जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज के दिन की महत्वपूर्ण बात क्या है, कौन से वो समाचार है, कौन से वो न्यूज है जो आपके पेपर में प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है, आगे जितने भी आने वाले पेपर है, और साथ ही साथ आज के दिन की महत्वपूर्ण बातों को 5 से 7 मिनट में आप कैसे सभी को जान सकते हैं। ये सेशन इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम लोगों का है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई 2021 हम लोग देखते हैं कि आज पहला समाचार, पहला न्यूज आपका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, यूएई के बारे में जरूर जानते होंगे आप लोग। तो यूएई के बारे में ये न्यूज है कि यूएई ने अब आपके कहां पे भाई, इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोल दिया है। दूतावास के बारे में जरूर जानते होंगे, जैसे भारत का दूतावास अमेरिका में, ब्रिटेन में, उसी तरीके से अलग अलग देशों के अलग अलग देशों में अपने अपने दूतावास होते हैं, जिसके आधार पे, जिसके चलते आपके उन दोनों के बीच में संबंध आपके सही रखते हैं, या जो भी बातचीत करनी होती है उसके माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। वही तरीके का आपका क्या होता है, प्रतिनिधि होता है उस देश में। तो अब यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है। अब देखो, महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है कि खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं था, और ये यूएई जो है वो गल्फ कंट्री है, खाड़ी का देश है, और खाड़ी के किसी भी, गल्फ के किसी भी कंट्री का अभी तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। तो पहला ऐसा आपका यूएई देश बन गया है जिसने इजराइल में, और यूएई गल्फ कंट्री है, और पहला ऐसा गल्फ कंट्री जिसने इजराइल में अपना एम्बेसी, अपना दूतावास क्या किया है बेटा, एस्टेब्लिश किया है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के जो राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, नाम क्या बेटा, इसाक हर्जोग, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपके मौजूद रहे। तो इसके चलते आप समझ सकते हैं कि इजराइल के, यूएई के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खाड़ी के किसी भी देश का इजराइल में पहला आपका दूतावास देखने को मिलता है। अब देखो भाई, अब तो मजा ही आ गया। जब हम गांधीनगर की बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं गुजरात, और गुजरात के कैपिटल, तो गांधीनगर कैपिटल ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल निर्मित हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या कि नीचे आपका रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बना हुआ है, और ऐसा होने वाला, ऐसा करने वाला ये पूरे के पूरे, पूरे भारत का पहला आपका रेलवे स्टेशन बन गया है। और इस रेलवे स्टेशन में दोनों तरफ से आपके होटल में जाने के लिए अंडरपास बनाया गया है। यह गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड गरुर तथा आपके भारतीय रेलवे का संयुक्त उपकरण है। यानी जो गांधीनगर में जो आपके रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है वो किसके द्वारा, तो अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय रेलवे दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इसमें गरुर की हिस्सेदारी जो है 74% है। तो देख लीजिए भाई, नया भारत का नया रेलवे स्टेशन, और ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग जाएंगे तो चाहेंगे कि ट्रेन हमारा 1 घंटा लेट हो जाए, 2 घंटा लेट हो जाए, कि थोड़ा ऊपर होटल में भी घूम के आ जाए। तो ये पहला आपका रेलवे स्टेशन बना है। अब चलो भाई, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार। सोनाली मिश्रा जो मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की आईपीएस हैं, इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जालंधर स्थित जो बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की नई आईजी अब कौन होंगी, आपके नाम क्या है, सोनाली मिश्रा। और ऐसा इस पद पे आसीन होने वाली, इस पद पे नियुक्त होने वाली सोनाली मिश्रा आपकी प्रथम महिला है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी है, कौन, सोनाली मिश्रा, जो पहली बार पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा अब किसके हाथों में होगा, महिला कमांडर के हाथों में। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बालिकाएं हैं वो बालक से कम नहीं है, इस बात को प्रूफ कर दिया। और बॉर्डर की भी अब सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो अब किसके हाथों में, सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा कौन, तो जालंधर में जो पंजाब फ्रंटियर है उसकी अब क्या बन जाएंगी बेटा, आईजी बन जाएंगी। तो ये पहली बार आपके देश में होगा, तो ये देश की पहली आपकी महिला अधिकारी है जो इस आपके जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगी। अब भारत मालदीव की बात करें तो आप लोगों को पता है कि भारत की जो आपकी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
तो उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में मालदीव आपका बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसी के अंतर्गत फिर ये दोनों के दोनों भारत और मालदीव के बीच में आपका बातचीत शुरू हो गया और इसमें दोनों बातों को समझना है कि भारत के प्रधानमंत्री तो आपके मोदी जी और दूसरा बात क्या समझना है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह, इन दोनों बातों को आप समझिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आज का न्यूज आपको अच्छा लगा होगा, पूरी बातें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, अगर ये डेली सेशन आपको बहुत शानदार आपको लग रहा है तो आपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और साथ ही साथ आप अभी ही गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें और एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे 18 तारीख को सुबह में 6 बजे से जबरदस्त सुपर सरप्राइज आपके बीच में आ रहा है तो उसका इंतजार करें और जरूर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे आप लोग आए और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को सब्सक्राइब क्या कर लें, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और साथ ही साथ एग्जामपुर यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ एग्जामपुर के जितने भी चैनल हैं जिसपे भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसको सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस सेशन के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।